निकालिए जिससे आप देख रहे हैं इस चीज है हेल्पिंग वर्ब। इस क्या है? एक साइडी है हेल्पिंग वर्ब। इस सिंगुलर और प्लुरल इस एक बच्चन है बहुवचन है एक बच्चन। आप कहेंगे ही सी और किसी नाम के साथ क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? इसे लगाते ही सी ग्रुप और किसी नाम के साथ क्या लगाते हैं? मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक वचन साइकिया की पहचान क्या है? एक वचन साइकिया की व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगुलर हेल्पिंग क्या पहचान इस आपको इस ये तकलीफ आपकी कहेगी कि मैं अकेली मैं एक पता आइडेंटिफिकेशन का आप देखिए मैं चार चीजें हूं यहाँ बॉस और हैज और डज। आपको कुछ नजर आ रहा है ये सब की सब क्या है? सिंगुलर मतलब कैन बी सीन हैज एस यहां भी देखा जा सकता है एस यहां भी एस और इस द हेल्पिंग बराबर आपने जिस टेक्स्ट को ली एस खड़ी ये सिंगुलर सिंगुलर वो साइक्रिया जिसके अंत में एस या ये किस होता है क्या होता है? अब आप देखिए आर है और वर है और अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि बहुवचन साइक्रिया की क्या पहचान है? तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं देख सकते हैं वह साइक्रिया जिसके अंत में एस या ईएस नहीं होता है वो क्या होती है? बहुवचन। वह साइक्रिया जिसके पीछे एस या ईएस नहीं होता है वो एक। अब बात करते हैं नंबर एक नंबर दो मैन बनते कौन सी मैन। मैं आपसे पूछूं कि एक वचन मुख्य क्रिया की क्या पहचान है? एक वचन मैन वर्ब की क्या पहचान है? वही ध्यान आपको होगा वह मुख्य क्रिया जिसके अंत में एस या एस होगा वह वचन होगी और एस एस नहीं होगा वो क्या होगी? जैसे मेरे पास ये शब्द है गो और गोस ये मैन वर्ब है कौन सी वचन कौन सी होगी? गोस और गो बहुवचन क्योंकि इसके पीछे क्या है एस या एस ये नियमित मैन वर्ब में लागू। लेकिन नाउन को उल्टा होता है जैसे सिटी है हमने एस लगा दिया सिटी बहुवचन हो जाता है इसमें नहीं क्या होता है उल्टा ऐसे सर्वनाम से एकवचन ऐसे सर्वनाम से बहुवचन। अब बात करते हैं आई नंबर पी यू आर सीइंग द लेटर आई आप देख रहे हैं आई क्या है आई आई इज ए लेटर आई इज आई एक वचन है बहुवचन आई सिंगुलर है या प्लुरल? एट दिस टाइम आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू आपके सामने खड़ा हूं मैं सिंगुलर हूं प्लुरल बट ध्यान रहे आई इज यूज मैन एंड फीमेल स्त्री कुछ दोनों के लिए काम आती है तो हमेशा ही क्या होती है बहुवचन लिखा जा सकता है लिखेगा लेवल और नियम के आई का प्रयोग स्त्री को दोनों के लिए किया जाता है अर्थात बहुवचन होता है। आई का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है अतः आई क्या है बहुवचन। आई इज यूज मैन एंड फीमेल। अब बात करते हैं लुक एट इट इस तरफ देखो एस आर एम अब आई के साथ तीनों में क्या कहेंगे क्या हमेशा एम आता है? आई के साथ क्या हमेशा एम आता है? क्या आई के साथ इजी आता है?
अब बात करते हैं आई। जब कोई व्यक्ति अपने खुद के लिए आई का यूज करता है तो एम आता है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आई का यूज में मेरे लिए क्या आएगा, खुद के लिए क्या आएगा, एम। जब आई कोई व्यक्ति न हो तब आई के साथ एम भी क्या आएगा, आई एक अक्षर है। आई इज ए लेटर, क्या व्यक्ति है, आई क्या है, अक्षर, क्या ये सो होगी, देखो आई ए लेटर, आई इज ए लेटर, आई एक अक्षर। आई कौन सा क्वेश्चन है, आई इज द, आई इज द फर्स्ट पर्सन, आई इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई प्रथम पुरुष है। हिंदी क्या होगा, पुरुष बोलते हैं पर्सन को, आई प्रथम पुरुष। आई ए साइकिल या अंग्रेजी में आई नी, क्या है, आई एक अक्षर है, आई ए लेटर, आई प्रथम, आई ए फर्स्ट पर्सन, आई अंग्रेजी का नौवां वर्ण है। आई इज द नाइन्थ अल्फाबेट इन इंग्लिश। तो आई का यूज कोई व्यक्ति अपने लिए आई यूज करता क्या आएगा, एम आएगा, और कोई व्यक्ति जब क्या आएगा, इस जाएगी क्या आएगा। लाइफ में हम दूर झांकने की तलाश में हमारे करीब से बहुत सारी चीजें निकल जाती है, हम दूर देखते हैं और ये चीजें एक मतलब कम से कम 10 लेकिन जिंदगी में छोटी चीजें वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेड़ से लाखों माचिसें बनाई जाती है मगर माचिस की एक तितली लाखों पेड़ों के सिकंदर से करती है। छोटी चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक रुपया लाख तो नहीं होता मगर लाख से कम भी नहीं होता है। अगर लाख में से एक रुपया निकाले तो लाभ है, लाभ नहीं होता है, स्मार्ट यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, एक पाजेब है हजारों रुपए की आती है और कम्बल को पैर में पहना जाता है और बिंदी एक रुपए की आती है जिसको माध्यम से दिखाई जाती है। छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत बड़ी चीज होती है। अब बच्चों से प्रश्न करते हैं, हाँ दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, बिल गेट्स। हमारी सोच, हमारी सोच में अंतर। मान लो मैं तेरे से पूछूं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन, आपने कहा बिल गेट्स, तुम्हारी फीस कौन देता। तो दुनिया में पिताजी से अमीर आदमी कोई नहीं है। अरे जो आदमी हमारे लिए इतनी मेहनत करता है और नाम लेते किसी का, सुना एक भाव आएगा, एक लाइन है, जेब खाली होने पर भी कभी मना नहीं करते, और पिताजी से अमीर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सबसे अब आप कितनी देखते हैं मार्केट प्लेस की, आप इतने टीवी देखते हैं, इतने प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें मैं कहता हूं ना बड़ी चीजें देखने के चक्कर में हमारे करीब से निकल जाते हैं, वो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरत लेडीज आपको कौन, दुनिया में सबसे खूबसूरत लेडीज कौन, रानी पद्मिनी, क्या रानी पद्मिनी, कौन रानी पद्मिनी, रानी बैठ। तो ये मायने हैं, क्या एजुकेशन में धैर्य क्या और हर चीज में मायने, इस दुनिया में माँ से खूबसूरत कोई रानी पद्मिनी नहीं है। क्या दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, माँ है। किसी के हिस्से में मंगा आया तो किसी के हिस्से में धोखा आई, और मैं सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। दुनिया में सबसे क्या है, जो माँ होती है, तो मेरा मतलब इनके जुड़ने का मतलब क्या है कि हम छोटी चीजों क्या करते हैं, इग्नोरेंस करते हैं। सी देखना, लुक देखना, आवाज देखना, तीनों का मतलब क्या है, देखो ये है सी लुक और वॉच।
अब वो चीज तो घड़ी होता है, कब घड़ी होता है, कब देख रहे हो, तो हर चीज के अलग मायने हैं। तो क्या है दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? माँ है। क्या है? माँ है। दुनिया में केवल माँ कौन कर सकती है? माँ कर सकती है। जब हम दुनिया का सबसे बोलो कि स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है माँ, जो वो पास में होती है तो वो नाशी जो होती है हमारे लिए, वो पास में नहीं है होती है तो क्या होती है? मैं माँ के साथ होता हूँ, माँ नहीं होती तो जिंदगी क्या होती है? कल सुबह उठ के काम पे जा रहा था, लगा को रोक लेगा मुझे, कल सुबह उठ के काम पे जा रहा था, लगा को रोक लेगा मुझे, उठेगा खड़ा खड़ा दूध भत्वी दो बड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड वो बोल रहा है पास ले ले। मन में सोचा रसोई घर से माँ बोली होगी और जिसके हाथों में सना आटा होगा, लेकिन पलट के देखा तो क्या पता आगे। अपना जो भी काम करते हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, अपने काम को धर्म समझो, अपने काम को धर्म समझो। हम हमारा काम काम कर रहे हैं, जिस काम से हमारा पेट पलता है, जिस काम से हमारा घर चलता है, उस काम को आप धर्म समझो, धर्म का काम करो। तो भले कोई आदमी कहने लग जाता है कि नहीं यार इस धंधे में कुछ नहीं है, उसी दिन से बरकत समाप्त हो जाती है। जैसे ना है पढ़ाई वाला तो काम है, उसी दिन से बरकत बंद हो जाती है। काम को अपना रंग समझे करो तो हमें हर चीज है। मंदिर में क्यों जाते हैं? कुछ पानी के लिए जाते हैं और भगवान हम जो चाहते हैं वो देता है और हमारा धंधा भी क्या देता है। ये आप बीएससी यदि कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं और कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं ना है? तो अपने काम को धर्म समझो। जिंदगी और खूबसूरत है, इसको खूबसूरती से जियो। लेकिन याद रखो जिंदगी आपकी मंजिल मौत है, इनकी आपकी मंजिल मौत है। यहाँ कोई हर कोई मरने के लिए आया है, लेकिन काम ऐसे करो कोई मैं लाखों साल जी रहा है, अपने काम के प्रति बिल्कुल कोताही या लापरवाही नहीं। हम जब हम हंसते हैं तो भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, हंसते हैं तो हम भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब हम किसी को हंसाते हैं तो भगवान हमारे लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तो ये देखिए, सी देखना, लुक देखना, वॉच देखना, ये चीजें तुम्हारे सामने सब बहुत बार आए होंगे, आए ना? लेकिन हमने कभी जहमति नहीं की, हम पूछे अंतर क्या है, सुना ये सुना शब्द तो है इंग्लिश में, कहीं दो वर्ड आते हैं तो उसमें बहुत सारा। देखो भगवान ने जिसको आंखें दी उसे दिखाई देता है ना। ऊपर देखो क्या है, क्या छत है। मैं आपकी यहां सोच देख रहा हूं, जिसकी बड़ी सोच है वो कहेगा ऊपर आसमान है, उससे थोड़ी नीचे वो कहेगा छत है, एक थोड़ी और छोटी वो कहेगा पंखा, एक कोने में तार लटक रहा है, या हमारी सोच पे निर्भर करता है। तो अब मैं बार बार नजारा देख रहा हूं, इधर से बहुत खूबसूरत नजारा है, कान मेरी आपके काम कर रही है। जो चीज हम स्वाभाविक रूप से देखते हैं उसके लिए क्या आता है? सी। हम किसी गली कुच्ची में जाते हैं तो सामने इसको भयंकर भारी शान आ रहा होता है, हम रास्ता काट देते हैं, क्योंकि हमारी आंखों ने आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लिया है। तो जो चीजें स्वाभाविक रूप से देखते हैं उसके लिए क्या आएगा? सी। और जब इसका ध्यान डाइवर्ट करते हैं, इसका ध्यान बटवाते हैं, मैं आपसे कहता हूं लुक इनटू बुक, किताब में देखो तुम्हारी कहा जा रही किताब में, मैं तो लुका था ब्लैकबोर्ड शाम्पू की तरफ, देखो आपकी निगाहें कहां जा रही है। कोई आदमी किसी चीज की और आपका ध्यान डाइवर्ट करता है तो हम क्या आएगा? नंबर देखे पांच,
किसी चीज को हम एक तक देखते हैं, तकदीर आके देखते हैं, घूर कर देखते हैं और निहार कर देखते हैं, निहार तक की आंखों में आंख डाल के देखते हैं, बात किसका यूज होता है? हम नए को आंख उठा के बात करते और नई आंख उठा के बात करते, हम आंखों में आंख डाल के बात करते। और बात करो तो कभी सबसे ज्यादा इंप्रेसिव होता है क्लास को एड्वर्टाइज करनी है, किसी व्यक्ति को एड्वर्टाइज कर रहे हैं तो उससे बात करो हमेशा आंख में आंख डाल के। जैसे हमने पीएम मोदी से सीखा कि आदमी का विजन कम से कम बड़ा होना चाहिए, विजन तो कम से कम बड़ा होना चाहिए। उनका विजन बहुत सारी चीजें सीखी मैंने उनसे, क्या उन्होंने ब्लेड ट्रेन का सौदा जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ किया, लेन देन कब हुआ? 50 साल में। कितने साल में लेन देन? 50 साल में। मोदी को पता है न तो लेने वाला रहेगा न देने वाला रहेगा, नहीं तो उधार लेने वाला रहेगा नहीं देने वाला, इतना इंटेलिजेंट है पीएम मोदी। क्योंकि अगर किसी जापानी को याद आ गया 50 साल बाद और जैसे वो दिल्ली उतरेगा तो हम उन्हीं की बुलेट ट्रेन पकड़ के लें अहमदाबाद काम लेंगे। सारी जाओ क्या बात आपको टाइम क्या है? आप क्या है अपने बात करते थे सी देख रहा कुछ देख रहा बात देख रहा तीन बार क्या देख रहा तुमने आज समझा। अब बात करते हैं ऐसे वर्ड हियर एस ई ए आर हियर और एल आई एस टी ए लिसन दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या है? सुनना। अब एक तो यू आर इंटरेस्टेड टू लिसन मी और मेरे को सुनने में रुचि ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप? सुनने की। और बाहर से कोई आवाज आ रही है हर कानों में खटकरी है हम उसे सुनना नहीं चाहते उसके लिए हियर शब्द आता है। और जिसे वी आर इंटरेस्टेड टू लिसन इन दिस कंडीशन वी ओनली लिसन और दैट्स वी डोंट वांट टू लिसन वो आवाज जिसको हम सुनना नहीं चाहते उसके लिए क्या आएगा? अब आप हैं ये बच्चे नहीं किसी काम जाएंगे क्या? ये बच्चे नहीं किसी काम जाएंगे क्या? दो चार बच्चे गए तो अब अपने हम चर्चा करते हैं तुम्हारे लगता है रिपोर्ट स्पीच पांच इसके ऊपर क्यों मात्र हम चर्चा करेंगे रिपोर्ट के स्पीच और एक नाम और इसका आवाज है इसका नाम है नरेशन। और माँ क्या है? मास पांच। अब सबसे पहले हमें जब तक रोग का पता नहीं लगेगा तो दवाई कारगर काम नहीं करेगी। मैं बच्चे से पूछता हूँ तेरे को पेशी वर्ष आते हैं एडियोस आते हैं कैसे कहे कि पेशी वर्ष किसी कहते हैं तो भी हाँ नो रेगुलेशन मैं किसी कहते हैं एडियोस किसी कहते वी हैव नो आंसर। मैं आपसे ये पूछूं कि रिपोर्ट स्पीच किसी कहते हैं हैव एनी आंसर ऑफ द क्वेश्चन बताइए रिपोर्ट स्पीच किसी कहते हैं या फिर मैंने स्पीच किया ये पढ़ा आपने छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं बारहवीं भी पढ़ा क्या नहीं? मैं पढ़ा आप से ये बोल रिपोर्ट स्पीच किस किया कोई चीज भूल जाना बुरी बात नहीं है, कोई चीज भूल जाना कोई बुरी बात नहीं है। वो लोग कितने बेचैन रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है, वो लोग कितने बेचैन रहते हैं जिन्हें हर बात कोई बात नहीं मैं
शब्द में बैठिए, इस रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट इस क्या होती है क्या रिपोर्ट इस होती है सूचना क्या होती है स्पीच का मतलब या भाषा नहीं है कोई जिसका मतलब होता है कथन क्या होता है स्पीच का वह कथन जिसके माध्यम से कोई सूचना दी जाती है क्या कहलाता है रिपोर्ट इज स्पीच वह कथन है जिसके माध्यम से कोई सूचना दी जाती है क्या कहलाता है रिपोर्ट इज स्पीच। अब हमारे सामने एक शब्द और आया दृश्य ये क्या बना है देखो नरेट का मतलब वर्णन करना नरेट का मतलब वर्णन करता अंग्रेजी का मतलब वर्णन वह कथन है जिसमें किसी बात का वर्णन किया जाता है क्या कहलाता है इंपोर्टेंट स्पीच। तो हमें इसकी गहराई का पता होना चाहिए तब जाके हम किसी पॉइंट को क्लियर करते हैं क्या। अब फिर पूछे बच्चों को आते हैं तो उसकी कोई तो ये ग्रामर का सबसे खूबसूरत पैटर्न है और इसके नियम कानून कायदे ऐसे हैं कि तुम्हारा एक बटा चार हम नहीं काट सकता अगर आप इसके रुचि लगते वो स्टार्ट कर देता इंपोर्टेंस इसके मुख्य दो भाग होते हैं स्पीच के मुख्यतः दो भाग होते हैं नंबर एक डायरेक्ट स्पीच जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन क्या बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष कथन क्या बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष कथन वो फिर गाँव में आपको ये डायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही बात को डायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही बात को हम चौका तो बोलकर या लिख कर दें डायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही बात को हम चौका तो बोलकर या लिख करके व्यक्त करते हैं इसे हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है इन्वर्टेड कोमा इसको हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है इसको हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है डायरेक्ट इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को हम जो का जो बोलकर या लिख करके व्यक्त करते हैं इसे हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है जैसे कैसे जैसे कैसे ऐसे देखो ही सेड टू मी कोमा आई एम डूइंग योर वर्क आई एम डूइंग योर वर्क हाँ बच्चों ये फ्रेज वाक्यांश एक बार
और यहाँ ये क्या है, व्हाट इज दिस, सब्जेक्ट है, और ये क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंडायरेक्ट मैथड्स में टेंस सेल नहीं होगा, शब्द सेल होंगे। सेल भी किससे बोलेगा, टोल्ड में, क्योंकि डायरेक्ट में कोई बात कही जाती है कहीं इंग्लिश सेल होती है, इंडायरेक्ट में बताई जाती है बता नहीं इंग्लिश क्या होती है, टोल्ड होती है। अब देखो नंबर दो, इनडायरेक्ट स्पीच नंबर दो, इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष कथन, क्या बोलेंगे प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच क्या बोलेंगे प्रत्यक्ष कथन, जब आपको बोलती हूँ क्या आपको मैं बोलती हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई बात, इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई बात को, इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई बात को हम जो का जो बोल के रह लिखकर व्यक्त नहीं करते, हम जो कहते हो बोल कर या लिख करके व्यक्त, लिख करके या बोल करके व्यक्त नहीं करते, बल्कि अपनी भाषा में, बल्कि अपनी भाषा में बोल कर या लिख कर व्यक्त किया जाता है, बल्कि अपनी भाषा में बोल करके और लिख करके व्यक्त किया जाता है। जैसे कैसे, लोटा और डेस्टिनेशन मंदिर की तरफ क्या बोलते हैं, देखिए सी इज द सब्जेक्ट है, मी इज द ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब वाक्य कौन सा है, एडवर्बिव और नेगेटिव वाक्य दोनों के नियम एक समान होते हैं, तो सबसे पहले सी का सी क्या बना रहे हैं, चार फॉर्म होती है प्रोनाउन की, सी हर हर अक्षर दे दे धन धन सर आई माइन मी माई सर तो लिखा सी, ये जान चाहिए इनटू क्योंकि बात प्रेजेंट की होती है, बाकी जाके बताते हैं किस प्रेजेंट की होती है, वाज डूइंग का डूइंग और यू आर कौन सा पर्सन, यू आर इज द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज ऑन है ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज क्या है, मी, मी है वो, आप यू एफ फॉर्म कौन सी है, सेकंड, हमें मी की सेकंड फॉर्म बोलनी क्या होती है, माई, क्या होती है, माई माई वर्ड, उतारो इस सेंटेंस और अंत में आगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाएंगे तो क्या है, हम रूल ज्यादा देखने की चाहत में और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हमारे को यकीन कर जाती है, तो छोटी चीजों का हमें पे ख्याल करना चाहिए। उदाहरण दिए बेटा से, हाँ आप लिखेंगे आज में इनडायरेक्ट बनाते समय होने वाले परिवर्तन, इनडायरेक्ट बनाते समय होने वाले, इनडायरेक्ट बनाते समय होने वाले परिवर्तन, बनाते समय होने वाले
परिवर्तन होने वाले क्या? देखो बच्चे से पीछे का बोलो करते हैं कि पढ़े नंबर एक फर्स्ट पर्सन